हेलो तो फ्रेंड्स मैं रेनू का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर और आज हम बना रहे हैं कार केक और स्पेशल ऑर्डर पे आज हम ये बना रहे हैं और ये देखिए फ्रेंड्स ये कितना शाइनी गनाश है पूरे डिटेल के साथ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गोल केक बनाना है और कार सेप कैसे देना है वो भी बताऊँगी बिना टीम के तो फ्रेंड्स वीडियो बहुत ही यूजफुल सी होने वाली है पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा फ्रेंड्स मैंने लिया है यहाँ वेनीला चॉकलेट से स्पंज बनाकर और वेनीला चॉकलेट पर बिक्स से कैसे स्पंज बनाया जाता है मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है वीडियो तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ चाकू से पहले कट्स लगाए हैं और बाद में धागे से इस तरीके से आपको देखिए मैं जैसे कर रही हूँ ऐसे कट कर लेना है बहुत ही ईजी और आसान तरीके से निकलते हैं हमारे पीस टेढ़े मेढ़े बिल्कुल भी नहीं कट होते टीन के कार का सेप आज हम बनाने वाले हैं और टीन भी यूज कर सकते हैं बट उतनी फिनिशिंग नहीं आएगी जितनी इसमें आएगी एकदम परफेक्टली बनेगा फ्रेंड्स तो मैंने यहाँ बेस रख के इस तरीके से शुगर सिप कर दिया है और क्रीम डाल के स्प्रेड किया है तो फ्रेंड्स क्रीम कैसे बनाते हो मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड है अब जाके जरूर देखिएगा तो इस तरीके से मैंने क्रीम डाल के स्प्रेड कर लिया है अब यहाँ हम डालेंगे चॉकलेट गनाश होम बेकर के लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है आपको ऐसे ऑर्डर आए तो आप कैसे करें इसमें मैं दिखाऊंगी आपको यार आज तो ऑर्डर आ गया अब हम यहाँ ऑर्डर तो ले लिया बट कार कैसे बनाएंगे ये वाली टेंशन आपको नहीं रहेगी तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ चॉकलेट गनाश डाला है भर भर के और गनाश से हमारा जो केक का टेस्ट जो बहुत ही बढ़ता है तो मैंने यहाँ टूटी फूटी डाली है चॉकलेट डाले कद्दूकद करके और जो सेकेंड लेयर है वो रख के इस तरीके से शुगर सेप किया है और यहाँ भी क्रीम स्प्रेड किया है वन के वन के जी केक के, के लिए तीन लेयर होते हैं फ्रेंड्स चॉकलेट मिक्सर कैसे स्पंज बनाया जाता है मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड है फ्रेंड्स अब जाके जरूर देखिएगा तो सेकेंड लेयर में भी यहाँ हम चॉकलेट गन्ना डालेंगे टूटी फूटी डालेंगे चॉकलेट्स भी डालेंगे तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा गनाश कितना ठीक है और ये डार्क कंपाउंड से ही बनाया है मैंने और जल्दी मेरे चैनल पे इसकी वीडियो अपलोड होगी तो यहाँ मैं टूटी फूटी डाल ली और यहाँ चॉकलेट डाल के थर्ड लेयर रखते हैं तो फ्रेंड्स बहुत ही आसानी से कट करके या हमें कार के सेप बनाना है और ये जो थर्ड लेयर रख के इस तरीके से शुगर सिर्फ करके क्रीम्स को स्प्रेड कर लेना है तो देख सकते हैं फ्रेंड्स अब हम यहाँ क्रम कोटिंग करेंगे तो यहाँ मैंने और थोड़ा सा चॉकलेट डाला है क्रम कोटिंग में ही क्योंकि हमारा चॉकलेट जब चॉकलेट मिक्स हो जाता है तो यम्मी वाला टेस्ट आता है तो इस तरीके से मैंने यहाँ पूरे केक की क्रम कोटिंग कर ली है तो फ्रेंड्स आपको कटिंग करने के पहले आपको केक को अच्छे से सेट कर लेना है फ्रिज में रख के एक दो घंटे आपको सेट करेंगे तो ये उठाने में दिक्कत नहीं होगी और आपका जो केक है वो आपको मतलब ज़्यादा तकलीफ नहीं देगा सेप में आने के लिए तो मैं यहाँ एक डेढ़ घंटे में ही रखा था और ये देखिए थोड़ा सा सेट हो गया है और मैंने यहाँ पैचुलस लिए हैं और ये उठा के ना इस तरफ नीचे रख दूंगी क्योंकि ये स्क्वेयर शेप के ऊपर ही हम बनाने वाले हैं कार सेप का केक फ्रेंड्स वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है इसलिए मैंने थोड़ा सा फास्ट किया है और ये देखिए साइड से इस तरीके से आपको कट कर लेना है जो बीच का है वो कार के लिए रखेंगे और साइड से कट किया है वो ऊपर के साइड रखेंगे जो कार वाला हिस्सा होता है वहाँ तो ये देखिए मैंने इस तरीके से कट कर लिया है और अभी यहाँ हम उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो धीरे से उठाना है देखिए ये हाथों से मेरे हाथों से उधर से उधर ही गिरा है क्योंकि एक ही पैचूला से उठाया नहीं जा रहा था दोनों पैचूला का यूज़ किया मैंने तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने बीच में यहाँ रख दिया इसे कस्टमर ऑर्डर देते हैं तो उनको लगता है कि ये बहुत ही आसान है बिल्कुल भी आसान नहीं होता फ्रेंड्स बहुत ही कठिन होता है बनाना जो बनाता है उसको भी पता होता है और ये देखिए मैंने एक साइड का उठा के रख दिया और दूसरे साइड का भी इसमें उठा के रख दिया और यहाँ साइड से थोड़ा थोड़ा हम कट करेंगे जो के वाला जो मिरर है वो आएगा वो इस तरीके से कट करेंगे और जो भी हमने कट किया है वो आगे के साइड में लगा देंगे क्योंकि हमारे केक की जो लंबाई है वो बढ़ जाएगी तो इस तरीके से मैंने पूरे केक को क्रम कोटिंग कर दी है और ये देखिए क्रीम लगा के तरीके से स्प्रेड कर लेना है बार है ना आपका केक सेट हो गया तो एकदम कार केक एकदम परफेक्टली कट कट में भी आएगा और शेप में भी आएगा तो फ्रेंड्स कभी कभी सेट नहीं हुआ तो बहुत ही ज्यादा तकलीफ होने लगती है शेप में बिल्कुल भी नहीं आता टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है तो इसे हमें परफेक्ट बना के ही छोड़ना है जब तक तो केक एक परफेक्ट नहीं बन जाता तब तक तो मैं कभी भी कोई भी केक नहीं छोड़ती हूँ फिनिशिंग के साथ उसको ले ही आती हूँ तो फ्रेंड्स मैंने क्रम कोटिंग ली कर ली है और बाद में यानी मैंने लिया है सीट और इस सीट से इस तरीके से मैंने पूरे केक को कवर कर दिया है आप देख सकते हो इस तरीके से इस बेकरीज में इसका जो रेट है वो बहुत ही महंगा है बट हमने ओनली केक का चार्ज किया है ओ एक्स्ट्रा का जो थीम बनाया उसका बिल्कुल भी नहीं लिया फ्रेंड्स और ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ लगा दिया क्योंकि जो आ, कार का सेप है वो अच्छे से आना चाहिए तो फ्रेंड्स आप गोल केक लेंगे तो पीसेस अच्छे कट होंगे बर्थडे के लिए और आप कार लेंगे तो कार के हिसाब से ही आपको कट करना पड़ता है तो मैंने यहाँ है ना ये जो कार बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत की फ्रेंड्स यहाँ मेरे को क्रम कोटिंग करने में एक दो तीन घंटे तो मेरे को ऐसे ही चले गए और बाद में डिजाइन बनाने के लिए तो एक डेढ़ घंटा ही चला गया क्योंकि इस तरीके से मैंने पूरे केक को क्रम कोटिंग कर लिया है टूथपिक से मार्क कर लिया है जहां हमने चॉकलेट गना से आउटलाइन करेंगे कार की तो इस तरीके से हमारी कार बन चुकी है ये देखिए मैंने यहाँ फाइनल इसको करके छोड़ा ये देखिए एकदम सेप में इसे लाया है मैंने अब मैंने लिए यहाँ पाइपिंग बैग में, में चॉकलेट गनाश और इसकी पूरी केक केक की आउटलाइन करेंगे जैसे कार में आउटलाइन होती है तो ये देखिए ये मिरर का साइड और साइड का साइड खिड़की सारे इस तरीके से आपको बना लेने हैं तो ये देखिए फ्रेंड्स कार दिखता छोटा है बट बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत है और जो होम बेकर्स है वही ये बना सकते हैं और ये बेकरीज में लेने जाएंगे तो आपको केक के रेट के साथ इसका एक्स्ट्रा भी रेट देना पड़ेगा क्योंकि कार जो सेप में लाने के लिए उसमें ज़्यादा मेहनत होती है वो उनका चार्ज कर लेते हैं बट हम नहीं करते ओनली मैंने केक का रेट लिया यहाँ कार का सेब का कोई पैसा नहीं लिया तो चाहिए था कार केक रेड कलर का तो मैंने यहाँ पैपिंग बैग में एक कलर डाल लिया है एक दो बूंद रेड कलर का और विप क्रीम डाल ली है और वीडियो इसलिए फास्ट किया है मैंने फ्रेंड्स क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी आप देखना भी नहीं चाहेंगे तो यहाँ मैंने स्टार्स छोटा वाला नोजल लिया है और देख सकते हो फ्रेंड्स मैंने ओनली पैपिंग बैग में रेड कलर डाला है अंदर में नहीं व्हाइट क्रीम से ही भरा है और ऊपर के साइड आप देख सकते हो सारी हमारी जो क्रीम है वो रेड हो गई है और यहाँ मैंने डॉट 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 इस तरीके से रख रही हूँ पूरे केक को हमें रेड बनाना है और फ्रेंड्स उनको केक चाहिए था थार बट थार बनाने के लिए हमारे पास फोंडन नहीं था फोंडन छः सौ रुपये के जी है तो फ्रेंड्स ये केक जो है हमारा कार केक वन के जी का केक है फ्रेंड्स बनने के बाद ट्वेल्व फिफ्टी ग्राम का बन गया फ्रेंड्स ढाई सौ ग्राम ज़्यादा ही बन गया ये केक पहले हमने वन के जी का केक बनाया और इसमें कट करके पूरे केक को कवर किया तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है कस्टमर को मेहनत बिल्कुल भी नहीं दिखती तो फ्रेंड्स कुछ आप बनाए और आपकी कोई तारीफ़ करें तो बहुत ही अच्छा लगता है बट मैंने पूरे केक को इस तरीके से कवर किया है और देखिए यहाँ मेरा लड़का बार बार होमवर्क मेरे को दिखा रहा है मम्मी ऐसा करना है कैसे करना है वो करना है बात करते करते मैं सब कर रही हूँ इतना ज्यादा इसमें टाइम लगा मुझे इसमें कभी डॉल केक हो कार केक हो इसमें क्रीम बहुत ही ज्यादा लग जाती है और ये मैंने चॉक बिस्किट है ना बिस्किट चॉकलेट में डुबो के रख दिया था फ्रिज में सेट होने के लिए और ये हमारे जो ये बनके रेडी है और ये मैंने यहाँ व्हाइट क्रीम भर ली है और जो हमारा आगे वाला मिरर है वो इस तरीके से हम बनाएंगे तो यहाँ मैंने डॉट 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 रख दिया ये देखिए बार बार है ना जो बैग से क्रीम निकल के बाहर आ रही थी तो फ्रेंड्स ऐसे आपके साथ भी होता होगा अभी मैंने लिया है क्रीम भर के क्योंकि मुझे निकालना नहीं था और थोड़ा सा ही इसमें काम था और बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था मेरे तो कमर ही दर्द हो रही थी बैठ बैठ के इतने सारे डॉर्स इसमें लगाने थे तो फ्रेंड्स इसके पहले भी मैंने एक रेड वाली कार बनाई है ब्लू वाली बनाई है आप चैनल पर जाके ज़रूर देखिएगा तो ये देखिए मैंने इस तरीके से पूरे खिड़कीज को मिरर्स को कवर कर दिया है हमारा जो कार है वो बन के रेडी है तो फ्रेंड्स मैं कभी थार केक बनाऊँगी कभी ना कभी तो बनाऊँगी बनाना बहुत चाहती हूँ बट फॉन्डन बहुत ही महंगा है छः सौ पाँच सौ रुपये से करके तो इसलिए मैंने वो नहीं लिया और बहुत ही सुंदर लगता है फ्रेंड्स मैंने यहाँ घास नोजल लिया है और यहाँ पैपिंग बैग में मैंने ग्रीन कलर का कलर डाला है और देखिए मैंने ओनली पैपिंग बैग को कलर डाला है कोई क्रीम को कलर नहीं की है तो मैंने यहाँ विप क्रीम डाल के और ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ घास बना लिए हैं जो हमारा कार है वो घास में खड़ा है तो फ्रेंड्स आज की हमारी कार के की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना पूरे घर के काम करते करते तो ये मैंने पूरा केक को कवर कर दिया और यहाँ हमने कार को है ना थोड़ा सा आना लिया ये देखिए एकदम कार्टून के जैसे बहुत ही सुंदर लग रहा है तो होम बेकर्स फ्रेंड्स ऐसे नहीं सोचना कि हमें नहीं आता तो आपको ऐसे सोचना है यह हम करके ही दिखाएंगे तो ये आपका फाइनल लुक देख सकते हो फ्रेंड्स परफेक्टली आके ही रह गया और ये देखिए हमारा जो कार का शेप है वो एकदम परफेक्टली आया है बिना टीन के तो फ्रेंड्स आज की हमारी आपको कार के की डिजाइनिंग कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करना मेरी इतनी मेहनत के लिए आप ये बेकरी में कार केक लेने जाएंगे तो बहुत ही महंगा मिलेगा क्यूँकी कार के लिए ये वो भी एक टास्क है तो फ्रेंड्स यहाँ मैं वजन करके दिखाती हूँ आपको ये कितना बना है ये वन केजी के के ऊपर ही हुआ है ये देखिए ये देखिए फ्रेंड्स ट्वेल्व फोर्टी एट यहाँ हमारा ढाई सौ ग्राम केक ज्यादा हुआ है और होम बेकर के पास कम ज्यादा कम तो बिल्कुल भी नहीं ज्यादा ही जाता है तो हम यहाँ एक्स्ट्रा का चार्ज कभी भी नहीं करते तो हाँ, आज की हमारी रेसिपी यूजफुल लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब थैंक यू फॉर वॉचिंग